नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर जारी विवाद के बीच बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधान भवन शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विपक्ष के कई दलों ने बहिष्कार का ऐलान किया है। टीएमसी के अलावा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होने का ऐलान किया है। वहीं अब बीजेपी ने भी जवाब देने के लिए 2020 में छत्तीसगढ़ के नए विधान भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर निशाना साधते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के शिलान्यास के समय राज्यपाल अनुसुईया उइके जी थी, जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आती हैं, जनजातीय समाज से ताल्लुक रखती हैं। कांग्रेस ने उद्घाटन शिलापट पर उनका नाम तक नहीं डाला। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से किस प्रोटोकॉल के तहत कांग्रेस ने भूमि पूजन कराया था? राज्यपाल को कार्यक्रम में बुलाया तक नहीं गया था। उन्होंने कहा कि अगर सोनिया और राहुल गांधी भूमि पूजन कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन क्यों नहीं कर सकते। इसके अलावा मालवीय ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ रही है। हमेशा कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों का शोषण किया है।